अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार मुझे अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है यार। मैं मुर्गी इन्हें मुटेरों को दाना रखने आया था, और दोस्तों दाने वाली जगह पर ही मुझे एक अंडा मिला मुटेर का। दोस्तों आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इस मुटेर ने अंडा दे दिया। तो यार ये तो बहुत ही गुड न्यूज हो गई, बहुत मजे की बात हो गई। लेकिन दोस्तों इसने इसमें अंडा नहीं दिया बिल्कुल भी, और यहाँ पर अंडा दिया है इस कोने में। मैं बिल्कुल अभी दाना रख रहा था तो मैंने देखा मैंने अंडा पड़ा है, और दोस्तों अंडा भी माशाल्लाह काफी मजबूत है यार। अब इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे यार इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ इसे कबूतरों के नीचे रखवा दूँ। फिलहाल दाना पानी है, खा रही है यार। लेकिन बहुत मजे की गुड न्यूज मिल गई यार हमें। यार मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ दोस्तों। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ यार, लॉक लगा देता हूँ। और आप भाइयों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ब्रीडिंग हम कबूतरों से करवाएं या नहीं, या कमेंट करके जरूर बता देना मुझे ये बात। दोस्तों मैं बिल्कुल अभी आया था, मैंने इन्हें दाना रख देता हूँ। इन्हें मैंने खोला भी था, अभी पानी वानी पिलाया था यहाँ पर ही। कबूतर भी खुल रहे हैं हमारे, तो मैंने इन्हें पानी वानी पिला कर ऐसे ही बंद करा। मैंने यहाँ पर मैं दाना रखना आया था, तो मैंने जैसे ही दाना रखा मैंने देखो मैंने ये तो अंडा पड़ा है, और ये तो बटेरों का अंडा है। तो यार बहुत मजे की गुड न्यूज मिल गई हमें, आज अंडा आ गया बटेरों का। बहुत दिनों के बाद इन्होंने काफी इंतजार कराया यार मुझे बटेरों ने, लेकिन फाइनली अंडा आ चुका है इनका। और छोटी वाली बुटेरे मैंने बिल्कुल अभी बंद करी है, मैं आपको मैं भी दिखा देता हूँ इसमें ही। मैं बिल्कुल मैंने जस्ट अभी बंद करी है, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ अभी। देखो और खा रही है ये फीड, मैंने इसके अंदर फीड रख दी थी, और ये बढ़िया मजे में खा रही है। तो यार इस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस टाइम। और दोस्तों हमारा कबूतर का बच्चा भी देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया यार, ये देखना पूरा ही बच्चा बनता जा रहा अब तो पूरा कबूतर। और दोस्तों व्हाइट वाला तो बहुत अच्छा होता जा रहा है यार, ये तो बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितना भरा हुआ सा, ये तो मुझे ऐसा लगता है बॉयलर का चिकन। देखिए कितना भर गया माशाल्लाह से, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगता है बॉयलर का चिकन हो जैसे। और माशाल्लाह से दोस्तों इस कबूतरे ने भी अंडा दे दिया आज फिर से, शायद अभी एक ही अंडा है। और मजा आ गया दोस्तों, मुटेर ने भी आज अंडा दे दिया और कबूतरी ने भी, और दोस्तों एक ही अंडा है शायद अभी। हाँ दोस्तों अभी एक अंडा है, एक अंडा है कल को दे देगी इंशाल्लाह। तो यार दोस्तों आप ये बताओ ये गुड न्यूज मजे की है या नहीं यार। देखिए अंडा कितना अच्छा लग रहा है यार, ये मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप पर बुटेर आई, और फर्स्ट टाइम किसी बुटेर ने हमारे सेटअप पर अंडा दिया है, और फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। आप भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि हम इसकी ब्रीडिंग करवाएं या नहीं, और करवाएं तो कैसे करवाएं, कबूतर के नीचे ही अंडा रखें या कोई और तरीका है? कोई और तो मुझे पता नहीं तरीका, एक ही तरीका मेरे जहन में, तो बस कबूतरों के नीचे ही अंडा रख देंगे। आप भाई कमेंट करके बताना कि क्या करना है। फिलहाल मुझे तो ये एक ही तरीका बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यार बहुत मजे की गुड न्यूज मिली आज मुझे, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस टाइम। जी ऐसा कर रहा मिठाइयाँ बांटने का, लेकिन थोड़ा हल्का ही हूँ यार मैं अभी।